हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आप सबके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन के लिए अपीयर कर रहे हैं या फिर ग्रुप टू के लिए अपीयर कर रहे हैं। आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं एक अपने सबसे अजीज सबसे खास स्टूडेंट के बारे में बात करूँगा, जिनका नाम है नरेंद्र देवरा। अब नरेंद्र देवरा जो है, इनका आप स्कोर एक बार देख सकते हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला था। ज्यूरिसप्रूडेंस में इनका है 60 मार्क्स, कंपनी लॉ में इनका 69 मार्क्स, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी में इनका 62 मार्क्स, टैक्स में इनका है 63 मार्क्स। सो बच्चों, कितना प्यारा मार्क्स है इनका। आप मार्क्स देखेंगे तो आप काफी खुश होंगे। और टोटल इन्होंने दिया होगा, टोटल इनका है 254। मेरे हिसाब से, मैंने रैंक लिस्ट नहीं देखी है, बट जिसका AIR 1 होगा मेरे हिसाब से उसका भी एक ग्रुप में इतना स्कोर नहीं होगा, और होगा तो बहुत अच्छी बात है। बट बच्चों, कितना प्यारा स्कोर है, चारों सब्जेक्ट में क्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। सो नरेंद्र से मेरी बात हुई और नरेंद्र से मैंने पूछा कि यार नरेंद्र, आपने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की, व्हाट स्ट्रैटेजी डिड यू फॉलो। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि यार नरेंद्र ने पढ़ाई कैसे की होगी, नरेंद्र ने मॉड्यूल देखा होगा, नरेंद्र ने नोट्स देखा होगा। मैं एक एक चीज बारीकी से नरेंद्र के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स एग्जाम में अर्जित किए, वो भी उस एग्जाम में जहाँ पे कई लोगों को तो इन सब्जेक्ट में 5, 4, 3 ऐसे स्कोर भी आते हैं, बट इन्होंने इतने खतरनाक स्कोर लेके आए। तो नरेंद्र ने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमको नरेंद्र जी का नंबर मिल सकता है। मैंने बोला कि नहीं, आप डोंट वरी, मैं उनसे बात करूंगा, बिकॉज ही इज टू मच स्टूडियस, सो नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप टू। तो इसलिए मैंने उनसे कल बात करके उनकी सारी स्ट्रेटेजी ली। रिजल्ट वाले दिन तो बात नहीं हो पाई थी उनसे, उसके 2 दिन के बाद बात हुई। एंड देन बच्चों, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो नरेंद्र ने फॉलो की है पढ़ाई। सबसे पहले बच्चों, जब मैंने उनको कॉल किया तो उनकी जो डायलर टोन थी वो भी भगवान के ऊपर ही थी, भगवान या माता पिता के ऊपर थी मुझे याद नहीं है, बट मैंने बोला यार क्या बंदा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी बातों में परफेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि नरेंद्र आप मोबाइल कितना यूज करते थे पूरे दिन में, जरूरी है बच्चों। तो बच्चों उन्होंने कहा कि सर मैं मोबाइल सिर्फ एक ही काम के लिए यूज करता था, आपके लेक्चर्स, और लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूट्यूब के आपके वीडियोस देखने के लिए मैं सबसे ज्यादा यूज करता था। सबसे ज्यादा मैं मोबाइल फोन दिन का 15-20 मिनट जो मैं यूज करता था वो मैं आपके द्वारा बनाए गए वीडियोस के लिए यूज करता था। तो नरेंद्र, इस चीज के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन आप कभी मानते नहीं है इस चीज को। नरेंद्र हमेशा ये बोलता है कि सर नहीं ऐसा है वैसा है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स रियली अ ग्रेट थिंग फॉर मी कि मेरे वीडियोज ने आपकी थोड़ी सी मदद की हो एग्जाम में। दूसरा, तो सबसे पहले तो बच्चों मोबाइल, ये चीज याद रखेंगे, 15 से 20 मिनट्स अ डे, उसमें हो सकता है 5 मिनट मेरे वीडियो देख लें वो, या फिर हो सकता है, या फिर बाकी 15 मिनट जो भी। आई बिलीव ही इज नॉट ऑन फेसबुक, मैंने तो फेसबुक पे उन्हें देखा भी नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं, बट आई एम श्योर ही इज नॉट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, ही इज जस्ट ऑन यूट्यूब। तो व्हाट्सएप पे शायद 15 भी। तो दिन का 20 से 25 मिनट का मोबाइल फोन का यूज, ये सबसे पहले की स्ट्रेटेजी, ध्यान रखिएगा। दूसरा बच्चों, एवरी डे कितना टाइम वो स्टडी को डिवोट करते थे, इसके बारे में मेरी उनसे चर्चा हुई बच्चों। सो एग्जाम के आखिरी के 3 मंथ्स में उनका जो स्टडी आवर्स था वो था 8 to 10 आवर्स। आखिरी के 3 महीने में जो उनका स्टडी का आवर्स था वो था 8 से 10 घंटे, एकदम सिंसियरली। तीसरा, उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि आपका जो स्टडी का टारगेट होता है, आपके जो गोल्स होते हैं ना, आप अपने मम्मी पापा के साथ या जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है आप उसके साथ शेयर कीजिए, और जिसके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो आपको पॉजिटिवली बोलेगा कि यस बेटा यू विल डू इट। तो ये अपने फ्रेंड से जो बात करते थे ना, ये उनको अपने गोल्स उनके साथ क्या करते थे, शेयर करते थे। और जब भी अपने गोल्स अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते थे, शेयर करते थे, उनके फ्रेंड्स उनको बोलते थे यस यू विल फॉर श्योर। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी। अब नोट्स या मॉड्यूल, अब मैं आपको बताता हूँ इनका पढ़ने का तरीका क्या था, क्योंकि मैं तो हमेशा ही आपको बोलता हूँ यू गो फ्रॉम नोट्स। अगर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप नोट्स से ही पढ़िए। नरेंद्र ने भी नोट्स ही लिए थे बच्चों, नरेंद्र ने भी नोट्स से ही पढ़ाई की, बट
इनके नोट्स की पढ़ाई में एक थोड़ा सा तरीका अलग था। नोट्स के साथ साथ, नोट्स के साथ साथ इन्होंने मॉड्यूल को एक बार ऊपर ऊपर से कवर किया। उन्होंने बोला कि सर नोट्स तो मैंने, मतलब नोट्स तो मैंने इतनी बार पढ़ लिए थे कि नोट्स, मतलब चूंकि मैं एक ही ग्रुप दे रहा था तो नोट्स मेरे इतनी बार पढ़ के हुए कि मैं मैं ऐसे ऐसे पेजेस फ्लिप कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ, मतलब मुझे इतना अच्छे से हो गया था मेरा नोट्स पढ़ के कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने मॉड्यूल क्या किया, मैंने सिर्फ हाँ भाई मॉड्यूल पे निकाली, उसका एक पेज देखा, एक पेज देखा, ओके, उसका एक पेज देखा, उसका एक पेज देखा, ऐसा। अब बच्चों फिर चलिए, तो नोट्स जैसे आप मेरे नोट्स अगर देखते हैं तो उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट केस लॉज डाले हुए हैं। सो आप ये केस लॉज वगैरह जितने भी नोट्स में उनकी क्या कर सकते हैं, अलग से लिस्ट बना सकते हैं। नरेंद्र ऑल्सो डिड द सेम थिंग, उसने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज की क्या बना ली, लिस्ट बना ली, और उसमें लिख दिया कि भाई ये लिस्ट उसने खुद बनाई है, उसने खुद बनाई, उसने लिस्ट ली, उसने केस लॉज लिए, हर एक केस लॉ में क्या हुआ था। तो ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए नरेंद्र ने सेम चीज़ की, सी लॉ के लिए नरेंद्र ने सेम चीज़, सी लॉ का तो खैर बाद में आऊँगा, ज्यूरिसप्रूडेंस के लिए नरेंद्र ने और एसबीसी के लिए ही डिड द सेम थिंग। उसने क्या किया, जितने भी केस लॉज हैं उन सब की लिस्ट बनाई और उस केस में क्या क्या हुआ था उसने उसकी भी लिस्ट बनाई। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ, अगर सारे नहीं तो जैसे सीपीसी है, सीआरपीसी है, ज्यूरिसप्रूडेंस की बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हर एक चैप्टर से कम 5 केस लॉज की लिस्ट बना सकते हैं। बच्चों देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, तो आप ऐसी लिस्ट बनाइए और ये लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको इस लिस्ट को आपको रेगुलरली क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो ज्यूरिसप्रूडेंस और रीड करना है आपको, थरली रीड करना है, रीड करना है। फिर नरेंद्र ने ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो की थी, रीड रिकॉल, आपने चीज़ें पढ़ ली, आँख बंद करके उसने रिकॉल कर लिया कि हाँ भाई मैंने सेक्शन 129 पढ़ा है कंपनीज एक्ट का जो डील करता है कंसोलिडेशन से, ओके। सो इसने ये चीज़ की। उसके बाद कंपनी लॉ के लिए इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ये मेरे कंपनी लॉ के नोट्स हैं, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं। अब बच्चों कई बच्चे मुझसे पूछते हैं समरी कैसे बनाना है, तो कल हमारी इस नरेंद्र से ही बात हुई क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको समरी बनानी चाहिए। तो मान लीजिए सेक्शन 129 ये किससे डील करता है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले अब आपका समरी नोट्स कैसे बनेगा, सो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी के जो अकाउंट्स बनेंगे, ये अकाउंट कैसे बनेंगे, कंसोलिडेटेड अकाउंट बनेंगे, ठीक है। मैं ग्रामर को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे अपने समरी नोट्स बना रहे हैं, जो अपने को कंसेप्ट अपने को याद हो जाता है समरी नोट्स से, ठीक है। कंसोलिडेटेड अकाउंट बनेंगे और इसमें किसको कंसोलिडेट करना है, सब्सिडरी प्लस एसोसिएट कंपनीज, इनके अकाउंट्स अपने को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपने को क्या करना है, जो सब्सिडरी कंपनी है और अपनी एसोसिएट कंपनी, इन कंपनीज के अकाउंट के अकाउंट्स के सैलिएंट फीचर्स भी अपने को क्या करना है, लगाने का है, ठीक है। सो आप ये ऐसा लिख सकते हैं, और देन सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट कर सकती है क्लासेस ऑफ कंपनीज को किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज को एग्जम कर सकती है, फिर स्पेसिफाइड कंपनीज को अकाउंट्स बनाने कौन से मोड में, XBRL मोड में। बच्चों इतने पॉइंट्स आपने लिख दिया, पूरा सेक्शन आपको रिवाइज हो जाएगा। सो ये एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ बच्चों सेक्शन बहुत बड़ा है, सेक्शन 129 अगर आप देखें तो इट्स अ बिग सेक्शन, काफ़ी बड़ा सेक्शन है। अच्छा एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस स्केड्यूल 3 इसको कंप्लाई करना चाहिए, दैट्स इट। ये हो गई सेक्शन 129 की समरी। और बच्चों जब आप सेक्शन 129 एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तो ये समरी
निकालने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं बात कर रहा श्याम क्या नरेंद्र की, नरेंद्र का ये स्ट्रेटेजी रहता था। फिर नरेंद्र ने एक और काम किया था, अगर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा हो, एक नरेंद्र ने क्या किया था, कंपनी लॉ के सारे सेक्शन और सारे रूल्स क्या क्या बनाया था, एक लिस्ट बनाया था, और उसने अपने रूम के, अगर आप हॉस्टल में रहते तो हॉस्टल के रूम के हर जगह उसको क्या कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, चिपका दिया था, और आते जाते उठते खाते बस वही देखता था। उसके नरेंद्र ने ये भी बताया कि सर वो सब, मैं सपने बहुत देखता था, सपने इन द सेंस मैं हमेशा सोचता था कि मैं सीएस बन के कुछ बड़ा करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, और अपने आप को, अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव माइंडसेट देता था। फिर उसने सबसे पहले एक और, उसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ भी कही मुझसे कि सर एग्जामिनेशन के टाइम पे जो डर होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सर मैंने एग्जाम के टाइम पे प्रॉपरली एकदम अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना कामनेस नहीं खोलना है। हो सकता है एग्जाम में फर्स्ट, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, सेकंड का आंसर ना आता हो, थर्ड का आंसर ना आता हो, ऐसा भी हो सकता है, बट मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं मेंटली नहीं हारूंगा। हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव हो, बट मैं आई वोंट बी लूजिंग मेंटली। और बच्चों ये सारे तरीके का फॉलो करके नरेंद्र का ये स्कोर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब नरेंद्र से इंस्पिरेशन लें, और जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, नरेंद्र ने ये कहा कि सर सीएस में लोग फेल हो ही नहीं सकते, यू नो पीपल कैन नॉट फेल इन सीएस, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले सर मेरे को काफी आसान लगा, और नरेंद्र ने कहा है कि ग्रुप टू में उसका परफॉर्मेंस इससे भी अच्छा रहेगा। सो ये चीज आप ध्यान में रखिए बच्चों, और इतने अच्छे अच्छे अपने स्टूडेंट है, मुझे काफी गर्व है नरेंद्र के ऊपर कि इतना प्यारा स्टूडेंट है बच्चों, वो इतना प्यारा स्टूडेंट है कि, और उसने सफलता का सारा श्रेय मुझे दे दिया कि सर आपका क्रेडिट है बच्चों, जबकि मेरा इसमें कोई क्रेडिट नहीं है। मैं अपने हर एक स्टूडेंट को गाइड करता हूँ, मैं नरेंद्र को भी गाइड किया, नरेंद्र ने ये चमत्कार किया जो मुझे बहुत खुशी है। कई लोग रैंक भी आए हैं हमारे स्टूडेंट, बट मैं चाहता हूँ नरेंद्र के बारे में बात ज्यादा अच्छा करूँ। रीजन ये है क्योंकि नरेंद्र ने एक ग्रुप दिया और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल रोल मॉडल है बच्चों। थैंक यू सो मच।